यहाँ पे सर्विसिंग अपना शुरू होएगा आज। फर्स्ट सर्विस जो है न्यू जी एस ट्रॉफी एडिशन है। दिस कलर इज एक्चुअली गुड, लाइक वाइट कलर इज बेटर देन द ब्लैक। हाँ जी, तो अपना बाइक का सर्विसिंग पूरा हो चुका है, तो बेसिकली अभी कुछ इस तरीके से चार्जेस हैं हमारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज बेसिकली है वीकेंड, तो मेरे को आज टाइम लगा है, आज मैं अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट जनवरी मंथ में अपनी बाइक ली थी BMW F850 GS से, जो कि अभी 1000 किलोमीटर चल चुकी है। एंड उसी के साथ में जो बाइक का सर्विसिंग है वो भी ड्यू है। लास्ट राइड जो हम लोग गए थे वो अपना कोहली हिल्स गए थे, कोहली हिल्स से जाके वापस आए, 600 किलोमीटर वो हो गया था, 320 किलोमीटर कुछ मैंने कवर किया था अपसाइड में एंड डाउन में दोबारा वापस। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब यहाँ से कोहली हिल्स तक एंड कोहली हिल्स से वापस 600 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस था, वो मैंने कंप्लीट किया, उसकी वजह से 1000 किलोमीटर अपना एक महीने के अंदर हो गया। एंड बाकी राइड्स नहीं की मैंने, ऑब्वियसली अभी उससे ज़्यादा भी हो सकती थी। तो एनीवेज प्लान आज का कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ टस्कर BMW जो कि MG रोड में है, और वहाँ पे जाके अपनी बाइक की सर्विसिंग कराऊंगा। एंड जो आप लोगों को जो प्राइस का जो सेग्रीगेशन है वो बताऊंगा कि कैसे कि BMW अपना फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें कवर करता है, किस चीज़ का प्राइस कितना है, जैसे ऑयल चेंज होएगा या फिर और भी कुछ बेसिक मेंटेनेंस वाला जो काम होएगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्राइस में सेग्रीगेट करके बताऊंगा। उसी के साथ मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा टस्कर BMW के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट सर्विसिंग का। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि लोकेशन मेरे को दिखा रहा है 45 मिनट्स। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ओन करने में एंड उसके बाद में आप लोगों को सर्विस का जो प्राइस है वो कितना पड़ता है। तो ये जो है अपनी यहाँ पे बाइक खड़ी रहती है एंड अभी इसको अनकवर करते हैं, बेसिकली गंदी होगी होगी, अभी आज वॉशिंग हो जाएगी वैसे बाइक की। तो देखो PPF कराने से बेसिकली बाइक एकदम चमकी रहती है, यहाँ पे देखोगे तो क्लीन कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं BMW टस्कर जो कि है MG रोड में, एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हो वहाँ पर मैंने बाइक पार्क कर दी है यहाँ पे, एंड अभी यहाँ से जाएगी बाइक सर्विसिंग के लिए। यहाँ पे सर्विसिंग अपना शुरू होएगा आज, फर्स्ट सर्विस जो है। अभी किलोमीटर्स हो चुका है, यहाँ पे दिखाएगा ऊपर करने पे 1177 राइट। फर्स्ट सर्विस इज ऑन एग्जैक्टली 1000 और वी कैन लाइक देयर इज अ लिमिट 1000 और विद इन अ मंथ, यार इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ एंड 1000 आल्सो। सो व्हाट ऑल विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट सर्विस? सो दिस फर्स्ट सर्विस विल बी द बेसिक वन ओनली राइट, द इंजन ऑयल विल बी चेंज्ड। First service is a basic service, 1000 km service. So what and all it will be covering, so engine oil replacement with oil filters and gasket ring, and general running and check, and chain maintenance, and so everything will be checked only. There is no replacement, right? Oil filters and O-ring is a replacement. Okay. Just all are oil filters and what is it? O-ring. Okay. And how much time will it take for the servicing? Three evenings. Oh, this is the new GS Trophy edition, no? This is 850 or 1250? So this is looking good. The same graphics is in 850 also. So this clamp, right? I was actually looking for this clamp. There is no proper place. I mean, the GPS, right? That will actually interrupt while driving. GSA, this is GS. Okay. So यहाँ पे अभी वेटिंग रूम है, बेसिकली ये है सेकेंड फ्लोर, नीचे वाले फ्लोर पे शोरूम है, और ये वाली जो क्रेन दिख रही है यहाँ से सबसे ऊपर वाले फ्लोर में सर्विसिंग चलती है, वहाँ पे शूट अलाउड नहीं है। बट अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, देन उसके बाद में जो भी बाइक अपना सर्विसिंग होके मिल जाएगा, बेसिकली शाम तो हो जाएगा, तो शाम होने पे आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। अभी टाइम हो चुका है अराउंड 11:20, तो होपफुली अपने को बाइक जो है 4-5 बजे तक मिल जानी चाहिए। ये है टस्कर, इसी के बगल में हार्ले का भी है, वो भी सेम टस्कर ही ओन करता है। अभी अपना लंच वंच का देखेंगे जुगाड़ कहाँ पे आसपास पे, वैसे तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, आराम से जा सकते हो। वहाँ भी दिख रहा है जो आप लोगों को वो वाला है UBCity मॉल, विजय माल्या का घर ऊपर, मस्त लोकेशन यार, क्या सही व्यू आता होगा।
मेरी बाइक जाएगी बेसिकली सर्विसिंग के लिए, देखते हैं कितनी जल्दी वापस आती है। बट लुक एट दिस यार, मतलब क्या ह्यूज बाइक लगती है। वैसे मैंने अपने आप को बैठे हुए कम ही देखा है। वाह, यहाँ पे थोड़ा सा बस चढ़ाने वढ़ाने में दिक्कत होती है क्योंकि इस तरीके का है यहाँ पे कुछ लैडर जहाँ से बाइक चढ़ाते हैं ऊपर। थोड़ा सा मेन पॉर्श एरिया में ना ये शोरूम, तो इसलिए थोड़ा सा पार्किंग वार्किंग में दिक्कत रहता है। बाकी ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाती है शोरूम के आसपास में, तो वो बड़ा इशू है अंदर अगर बैंगलोर में कोई सा भी शोरूम है। अदरवाइज जगह अच्छी है, मतलब काफ़ी हैपनिंग लोकेशन है। This is having carbon finish. Seat is also good, not that hard. हाँ जी, तो अपना बाइक का सर्विसिंग पूरा हो चुका है, तो बेसिकली अभी कुछ इस तरीके से चार्जेस हैं हमने BMW के फर्स्ट सर्विस के। सो विच इज़ BMW रन इन चेक, जिसमें कि आप लोगों का आ जाता है EOU, BMW मोटर एडवांटेक अल्टीमेट 5W40 मोटर ऑयल, जो कि आप लोगों का पड़ता है 2773 एंड दिस इज़ आई गेस 3 लीटर, 3 पीस लिखा हुआ है, आई गेस इट विल बी 3 लीटर। देन ऑयल फिल्टर आ जाता है 1322 का एंड गैसकेट रिंग आ जाती है। बेसिकली ये भी चेंज करनी पड़ती है, जब ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं तो वो जो गैसकेट रिंग है वो कट हो जाती है, तो वो भी बेसिकली चेंज करना पड़ता है, विच इज़ 107। देन उसके बाद में जो आ जाता है वो BMW रन इन चेक आ जाता है, ये है 1333 का। देन ऑयल चेंज इन इंजन विद फिल्टर, ये आ जाता है 571 का। प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट्स ऑफ व्हीकल, ये सारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो भी रहता है ये 500 रुपीज़ का होता है। एडजस्टिंग चेन टेंशन 750 रुपीज़ एंड क्लीनिंग मोटरसाइकिल 1000 रुपीज़। सो दीज आर ऑल द चार्जेस। तो सो फार जो अपना टोटल प्राइस पड़ा है विच इज़ 4904 प्लस 4959, इट कम्स टू 10,000, रफली 10,000 का फर्स्ट सर्विस पड़ जाता है। एंड ये सारा जो भी है ये ब्रेकअप था। सो अभी जो बाइक है अपना सर्विसिंग होके निकल गया है, अभी यहाँ ऊपर से नीचे उतारी जाएगी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से चार्जेस का ब्रेकअप था और बाइक आ जाती है, देन उसके बाद में निकलते हैं। आज पूरा दिन लग गया बेसिकली, अभी टाइम हो गया है 5 o'clock एंड काफ़ी टाइम लग जाता है यार। फर्स्ट सर्विस में भी काफ़ी कुछ रहता है काम करने के लिए, बट सो फार इट इज़ गुड, क्योंकि अगर आप लोग BMW GS 310 भी कराते हो ना तो उसका भी 6,500-6,000 रुपये जो है सर्विसिंग पड़ जाता है। एंड बाकी जो सेकेंड सर्विस रहता है वो आप लोगों का डिपेंड करता है किस तरीके से आप लोग बाइक यूज़ करते हो। तो जी अपना बाइक का सर्विसिंग होके मिल गया है एंड इसमें जो फाइनली काम हुआ, एक क्लस्टर व्लस्टर अपडेट हुआ है, एक अपना जो बाकी इंजन ऑयल था, गैसकेट रिंग है और ऑयल फिल्टर है, वो 3 चीज़ें चेंज हुई हैं। तो और मैंने इसके साथ में जो यहाँ पे नंबर प्लेट वाला क्लैंप है ये लगवा लिया है। तो बाइक का सर्विसिंग हो चुका है एंड दिस इज़ द एडिशनल क्लैंप जो लगा है यहाँ पे 2000 रुपीज़ का। बेसिकली यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आता है क्लैंप लगने के लिए, एंड बाकी जो है पीछे वाला भी क्लैंप है उसका ज़रूरत नहीं है, बट ये आराम से ऐसे फिट हो जाता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।